हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ की सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट लेसन है, जिस लेसन का नाम द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, हु मीन्स जो, केप्ट मीन्स पूरा किया, हिज प्रॉमिस मीन्स अपने वादे को, अर्थात वह आविष्कारक जो अपने वादे को पूरा किया। इस लेसन का अध्ययन करेंगे और इस लेसन का कंप्लीट हम लोग व्याख्या देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो आइए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में एडिसन की लाइफ के बारे में बताया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, उसके बचपन से लेकर के उसके डेथ तक, जो एक महान आविष्कारक रहे हैं एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनके पूरे लाइफ स्पॉन को हम लोग देखेंगे किस तरह से वो इतने महान बने, एक छोटे से बच्चे के रूप में लेकर के एक जीरो से, अर्थात एक छोटे से बच्चे से वो किस प्रकार एक महान वैज्ञानिक बने, ये पूरी कहानी इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। When do you want to read at night? When means जब, you want means आप चाहते हैं, to read means पढ़ना, at night means रात को। जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो you simply press, you means आप, simply means साधारण रूप से, press means दबाते हैं, a switch means एक बटन, and the electric bulb gives you light, and the electric bulb means विद्युत बल्ब, गिप्स मीन्स देता है, यू मीन्स आपको, लाइट मीन्स प्रकाश। इस पहली लाइन में ही राइटर ये बताएं कि जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस, आप एकदम साधारण रूप से दबा देते हैं, क्या दबा देते हैं, तो स्विच मीन्स एक बटन, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और विद्युत बल्ब आपको देने लगता है लाइट, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बटन दबा देते हैं, लाइट देने लगता है विद्युत बल्ब। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, हु इन्वेंटेड मीन्स कौन आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लाइट मीन्स विद्युत प्रकाश का, इस विद्युत प्रकाश का आविष्कार आखिर कौन कर दिया, क्या आप जानते हैं। तो आगे बताए हैं कि ही वॉज एन अमेरिकन, ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी व्यक्ति थे, अमेरिका के रहने वाले थे, नेम्ड, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, वह अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आइए आगे देखते हैं कि इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन लव्ड मीन्स एडिसन प्रेम करते थे, टू डू मीन्स करना, क्या करना, तो एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग, एडिसन अपने बचपन से प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना बहुत पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ही वॉज फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, वो शौकीन थे किसके, तो आस्किंग क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछने के, एडिसन अपने बचपन से ही प्रैक्टिकल करना बहुत पसंद करते थे और वो प्रश्न पूछने के बहुत ही शौकीन थे। एंड नेवर सेटिस्फाइड, और कभी नहीं संतुष्ट होते थे तब तक, टिल ही गेट द राइट आंसर, जब तक वह राइट आंसर मीन सही उत्तर न पा जाए, जब तक एडिसन सही आंसर नहीं मिल जाता था उनको अपने किसी भी क्वेश्चन का, तब तक वो संतुष्ट ही नहीं होते थे। और देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, देयर आर मैनी स्टोरीज माने बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड माने उनके बचपन की, एडिसन के बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, एंड हियर आर माने यहाँ पर उपस्थित हैं, अ फ्यू माने कुछ, ऑफ देम माने उनमें से। जैसा कि राइटर बताए हैं कि एडिसन के बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, और यहाँ पर कुछ कहानियाँ आपको नीचे दी जा रही हैं जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि एडिसन किस तरह के बच्चे थे। तो आइए देखते हैं कि एडिसन के बचपन के बारे में ऐसी कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो हमारे चैप्टर में दे दी गई हैं। तो फर्स्ट है
कि वन डे एक दिन व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब छोटा एडिसन कहाँ थे, स्कूल में, कर वो एक दिन जब छोटे एडिसन जो थे वो स्कूल में थे, और द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, द टीचर वाज टेलिंग माने अध्यापिका सुना रहे थे क्या, द चिल्ड्रन में बच्चों को अ स्टोरी में इनसे कहानी अबाउट बर्ड्स में चिड़ियों के बारे में। एक दिन जब छोटे एडिसन ये स्कूल में थे तो उनके जो टीचर थे वो बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वो खड़े हुए एंड आस्क द टीचर, और पूछे अध्यापिका से, क्या पूछे, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, बोले कि मैम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता लाइक अ बर्ड माने चिड़ियों के समान। एडिसन की मैम जब बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी तो एडिसन तुरंत उठे और बोले कि मैम ये जो आदमी है वो चिड़ियों के समान क्यों नहीं उड़ सकता। तो अध्यापिका उत्तर दी कि बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि आदमियों के पास विंग्स मीन्स होता है पंख, पंख नहीं होते हैं। अध्यापिका सिंपल में उत्तर दी कि आदमियों के पास भाई पंख नहीं होते इसलिए आदमी नहीं उड़ सकता है। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया कि आदमियों के पास पंख नहीं है इसलिए उड़ेगा नहीं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, द यंग बॉय माने छोटा लड़का, थॉट मीन्स सोचा, फॉर अ मोमेंट मीन्स कुछ क्षण के लिए वो छोटा बच्चा सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछ लिया, दोबारा अगेन पूछा, क्या पूछा, बोला कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास भी कोई पंख नहीं होता, एंड स्टिल मीन्स और फिर भी, वी कैन फ्लाई माने हम लोग उड़ा सकते हैं, दे माने उनको, इन द स्काई माने आसमान में, क्या बात है। एडिसन की मैम ज्यों ही उससे बोली कि आदमियों के पास पंख नहीं होता इसलिए वो नहीं उड़ पाते, तो एडिसन थोड़ी देर के लिए सोचा और तुरंत खड़ा होकर के पूछा कि भाई पतंगों के पास भी तो कोई पंख नहीं होता फिर भी हम लोग उनको उड़ाते हैं आसमान में। ऑल द अदर बॉयज लॉफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, ऑल द अदर बॉयज माने सभी दूसरे बच्चे, लॉफ्ड माने हंसने लगे, एंड द टीचर मीन्स अध्यापिका, लॉस्ट मीन्स खो दी हर पेशेंस माने अपना धैर्य, सभी के सभी दूसरे बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका ने तो अपना धैर्य ही डगमगा दिया, धैर्य ही खो दिया, क्यों, क्योंकि सी थॉट मीन्स वो सोची द बॉय वाज स्टूपिड एंड नटी, कि द बॉय माने लड़का, स्टूपिड माने दुष्ट एंड नटी माने शरारती है, वो सोचने लगी कि लड़का है जो ना ये जरूर दुष्ट और शरारती है इसीलिए परेशान कर रहा है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, एंड सी आस्क्ड माने और कहीं, हिज पेरेंट्स माने उनके माता पिता से, अर्थात एडिसन के माता पिता से कहीं, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, कि इसको स्कूल से बाहर ले जाएं, अर्थात एडिसन के पेरेंट्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप इस बच्चे को ले जाएं घर पे, हम लोग नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बच्चा दुष्ट है, बदमाश है। हिज पेरेंट्स माने उनके माता पिता, टुक हिम होम उनको घर पे ले गए, अर्थात एडिसन के माता पिता एडिसन को कहाँ ले गए, घर पर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे लोग जानते थे, कौन लोग, तो एडिसन के मदर एंड फादर, एडिसन के माता पिता जानते थे कि दैट ही वाज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि ये लड़का जो है ना ये दुष्ट नहीं है दुष्ट, एडिसन के माता पिता इस बात को जानते थे। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन वाज जस्ट 8 year old. एडिसन उस समय जस्ट मतलब 8 साल का था when this happened. जब ये घटना घटित हुई, ये जो एडिसन के स्कूल वाली घटना थी, अर्थात जब टीचर से वो पूछा था, तो ये जब घटना घटित हुई थी तो एडिसन उस समय मात्र 8 साल का था, ओनली 8 year old, सिर्फ 8 साल का था। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही। तो आइए आगे भी देख लेते हैं क्या बात है। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटा एडिसन फाउंड मीन्स पाया, इन हिज मदर मीन्स अपने मम्मी के अंदर, हिज बेस्ट टीचर माने अपना सबसे अच्छा
अध्यापक, अपने माता के अंदर ही एडिशन सबसे अच्छा अध्यापक पा गया, अर्थात उसकी मदर उसके लिए उसकी बेस्ट टीचर के रूप में सिद्ध हुई। एडिशन की मदर ही उसकी बेस्ट टीचर के रूप में सिद्ध हुई। सी वाज पेशेंस एनफ टू एंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। सी वाज पेशेंस एनफ, वो धैर्यशाली थी, बहुत पर्याप्त धैर्य था उनके अंदर। किस बात का? तो टू एंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। अर्थात एडिशन की माता के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धैर्य था, अर्थात वो एडिशन के जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जिस तरह से एडिशन के अध्यापिका ने किया उस तरह से नहीं करती थी, वो उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी हेल्प मीन्स सहायता और गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस। एडिशन बहुत अच्छा विकास किया अपनी माता के सहायता और उनके मार्गदर्शन, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन से एडिशन बहुत अच्छा प्रोग्रेस में विकास किया। ही यूज्ड टू का प्रयोग तभी किया जाता है जब उसकी आदत की बात की जाए। तो एडिशन की एक आदत थी, क्या थी? ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह देखा करता था थिंग्स माने चीज़ों को वेरी क्लोजली माने बड़ी ही गहराई से, अर्थात घनिष्ठ रूप से हर एक चीज़ों को देखा करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड डू माने और करता था, अ लॉट ऑफ माने बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपेरिमेंट्स में प्रयोग। एडिशन चीज़ों को गहराई से देखा करता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ उसके प्रयोग वह सिली मूर्खतापूर्वक थे। कुछ ऐसे भी प्रयोग हो जाते थे हमेशा प्रैक्टिकल करने की वजह से, कुछ प्रयोग ऐसा लगता था मूर्खतापूर्वक हो गया है, एवं बेकार का प्रयोग हो जाता था। बट ही लर्नट अलॉट फ्रॉम देम, बट ही लर्नट मीन्स वह सीखता था, अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रॉम देम माने उन प्रयोगों से। जो प्रयोग उसके असफल हो जाते थे उन प्रयोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सीख लेता था। कौन? तो एडिशन। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे देखिए। जो पैसे समझ में नहीं आता उसको दो बार तीन बार चार बार आप पीछे कर करके वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीनिंग्स लिखते रहें और कोशिश करें कि कॉपी पेन लेकर के आप लोग पढ़ने ही बैठे। ऐसे आगे है कि वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़ियों को देख रहा था। अरे एक दिन सुबह ही एडिशन एक चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू माने या उड़ी, डाउन माने नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ उड़कर आई, टू द ग्राउंड माने जमीन पर, पिक्ड अप मीन्स उठा ली, अ फ्यू वर्म्स मीन्स, इट पिक्ड अप मीन्स ये उठाई, अ फ्यू वर्म्स मीन्स कुछ, वर्म मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाई। कौन? तो चिड़िया। इन इट्स बिक माने अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे मीन्स उड़ गई। एडिशन एक दिन सुबह जब एक चिड़िया देख रहा था तो देखा क्या कि चिड़िया नीचे उड़कर आई जमीन पर, कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाई अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे मीन्स उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, आइडिया आ गया। यही बात देख करके एडिशन के मन में एक विचार आया, आइडिया आया, क्या? कि द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में योग्य है। बिकॉज इट्स वार्म, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट मीन्स यह, इट्स मीन्स खाती है, वॉर्म्स मीन्स कीड़े मकोड़े। एडिशन तुरंत सोचा, उसके मन में यही विचार आया कि ओहो चिड़िया इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही इट्स वॉर्म्स, इफ माने यदि, ही मीन्स वह, इट्स मीन्स खाता है, क्या वॉर्म्स, अगर आदमी भी कीड़े मकोड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। ये दिमाग में आया एडिशन के। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा, ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, ही वांटेड माने वह चाहता था, टू ट्राई माने कोशिश करना, दिस एक्सपेरिमेंट्स माने इस प्रयोग का, ऑन समवन माने किसी पर। सोच रहा था कि भाई अगर ये विचार सही है तो इसका प्रैक्टिकल तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सोच रहा था कोई ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल कर दूँ।
तो ही कॉट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, ही कॉट होल्ड मीन्स वह पकड़ लाया, फ्यू वर्म्स मीन्स कुछ कीड़े मकोड़ों को, बीट देम उनको कूट लिया, इनटू ए पल्प माने एक लुगदी बना लिया, अर्थात एकदम बिल्कुल कूट करके उन कीड़े मकोड़ों को एकदम चटनी टाइप का बना लिया, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और मिक्सड माने मिला दिया, इट माने उस मिक्सचर को, इन वाटर माने पानी में, पानी में घोल दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, ही टुक माने वह ले गया द मिक्सचर माने उस घोल को, टू ए सर्वेंट गर्ल माने एक नौकर की लड़की के पास, वह इस मिक्सचर को एक नौकर की लड़की के पास ले गया, एंड सेड टू हर और उससे कहा, क्या कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बहुत ही अद्भुत घोल है, और इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी तो यू कैन फ्लाई माने तुम उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड माने एक चिड़िया के समान। बोला कि यह बहुत ही अद्भुत मिक्सचर है, आ यदि तुम इसको पियोगी ना तो बिल्कुल चिड़िया के समान उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ ना, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी माने और देखो क्या होता है, मज़ा आ जाएगा। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की बिलीव्ड माने विश्वास कर गई, हिम माने उसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, वो बेचारी लड़की विश्वास कर गई, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और उस घोल को पी गई। प्या एडिशन का प्रयोग सक्सेसफुल हुआ, अब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। एडिशन ने उस लड़की को बोला तो विश्वास कर गए उसके ऊपर और पी गई। वेल हाँ, सी डिडेंट फ्लाई, वो उड़ नहीं पाई, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। क्या बात है, एडिशन का ये भी प्रैक्टिकल फेल हुआ, वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिशन्स मदर वार्नड हिम, छोटे एडिशन की मम्मी वार्नड माने चेतावनी दी, हिम माने उसे, उस छोटे एडिशन की मम्मी ने उसे चेतावनी दिया कि नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, कि इस प्रकार के सिली माने मूर्खतापूर्वक प्रयोग मत करो। एडिशन की मम्मी ने उसको चेतावनी दी कि आज के बाद से इस तरह से मूर्खतापूर्वक प्रैक्टिकल तुमको करने की कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। आगे इसी टर्म में राइटर और भी बताएंगे एडिशन के बचपन के बारे में कुछ बातें, आइए देखते हैं आगे। माना कि वंस मीन्स एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, ही वेंट माने वो गए, टू ए पोल्ट्री फार्म माने मुर्गी पालन केंद्र में। एक बार एडिशन कहाँ चले गए, मुर्गी पालन केंद्र में, तो किसके साथ, विथ हिज मदर माने अपनी मम्मी के साथ। एक बार एडिशन मुर्गी पालन केंद्र में अपने मम्मी के साथ गए। देयर ही सॉ अ हेन, देयर माने वहाँ, ही सॉ मीन्स वो देखे, अ हेन मीन्स एक मुर्गी, अब पोल्ट्री फार्म में मुर्गी ही देखेंगे ना, तो वहाँ पर एक मुर्गी देखें, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, इट वॉज सिटिंग माने बैठी थी, कहाँ, ऑन इट्स एग माने अपने अंडे पर। एडिशन देखा कि वो मुर्गी जो है वो अपने अंडे पर बैठी है। ही आस्क्ड हिज मदर, वो अपने मम्मी से पूछा हुआ अबाउट इट माने इसके बारे में। एडिशन जब देख गया तो भाई पूछेगा ही, क्योंकि उसका काम ही था, तो एडिशन तुरंत अपने मम्मी से पूछा इसके बारे में, एंड सी आंसर्ड और वो उत्तर दी, क्या उत्तर दी, कि द हैन इज हैचिंग इट्स एग, द हैन मीन्स मुर्गी, इज हैचिंग माने से रही है, इट्स एग माने अपने अंडे को। एडिशन की मम्मी तुरंत उत्तर दी कि ये जो मुर्गी है ना बाबू, वो अंडे से रही है। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट, चिकन्स माने चूजे अर्थात तो मुर्गी के बच्चे, कम्स आउट माने बाहर आएंगे, आप देख माने अंडे से, कुछ समय बाद जो चूजे होंगे ना वो अंडे से बाहर आएंगे। अब एडिशन से रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा, वो तुरंत बोला कि वाई कांट आई हैच एग, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ, तुरंत एडिशन बोला अपने आप से, बोला कि मैं आखिर अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिशन, वो छोटा एडिशन सोचा कि जब मुर्गी से सकते तो हम कहाँ नहीं से पाएंगे। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगली सुबह वो एक दर्जन अंडा लाया, एंड सेट ऑन देम और उन पर बैठ गया। क्या बात है, इसी तरह से लोग वैज्ञानिक बनते हैं। एडिशन लाया और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन वो कोई चूजे नहीं पाया, कोई मुर्गी उर्गी के बच्चे नहीं निकले।
ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, वह केवल अंडों को खराब कर दिया था, एंड स्पॉइल्ड माने और बर्बाद कर दिया था, गंदा कर दिया था, इस शर्ट माने अपने शर्ट पैंट जो भी कपड़े थे शर्ट को अपने बर्बाद कर दिया था और ये अंडे को भी खराब कर दिया था। और उस दिन ही गॉट मीन्स वो पाया अ गुड बीटिंग माने एकदम अच्छी खासी पिटाई फ्रॉम हिज मदर माने अपनी मम्मी से दिन था, तो उस दिन जमकर पिटाया भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्वक प्रयोग करता रहता था, उस दिन पिटाया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है, आगे आइए देखते हैं। पर रियली फनी बॉय वाजंट ही, वास्तव में वो एक फनी मीन्स मजाकिया लड़का था वाजंट ही, नहीं था अर्थात ऐसे बात नहीं है, मजाकिया नहीं था वो, कुछ नई चीज़ें हमेशा जानने की कोशिश करता था। बोल रहे हैं कि ही फेल्ड आल इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड माने वो असफल हुआ, आल दीज एक्सपेरिमेंट्स माने सभी के सभी प्रयोगों में, बट ही हैड लर्नड, लेकिन वह सीखा समथिंग माने कुछ न कुछ, फ्रॉम देम माने उनसे, अर्थात भले ही सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में फेल होता रहा लेकिन हर एक चीज़ों से वो कुछ न कुछ सीखता रहा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, ही हैड लर्नड मीन्स वह सीखा जाना कि हिज आइडियाज माने उसके विचार वर रॉन्ग मीन्स गलत थे, वो इस बात को भी जानने में उसको मदद मिली कि जो उसके विचार थे ना वो गलत थे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ही वॉज फॉन्ड ऑफ माने अभी बता चुके हैं पहले कि शौकीन होता है वो, बुक्स मीन्स किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से बहुत सी बुक्स मतलब किताबें पढ़ चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, हिज फादर मीन्स उसके पिताजी, गेव मीन्स देते थे, हिम माने उसे, 25 सेंट्स माने 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसको 25 सेंट उस समय वहाँ चलता था जैसे यहाँ रुपया चलता है, तो उसके पिताजी 25 सेंट्स देते थे प्रत्येक किताब जब वो पढ़ लेता था, एक किताब अगर पढ़ करके ख़त्म कर दिया तो उसके पिताजी 25 सेंट उसको दे देते थे। ही रीड वाइडली एंड द विद द पॉकेट मनी, ही रीड माने वो पढ़ा वाइडली माने विस्तृत रूप से, विथ हिज पॉकेट मनी माने अपने जेब खर्चे से, क्या किया भाई, कह रहे हैं कि जब उसके पिताजी देते थे भाई 25 सेंट तो एक बुक जल्दी से ख़त्म कर देता होगा, और बोल रहे हैं कि एंड विथ द पॉकेट मनी, और वो जो पॉकेट मनी जो 25 सेंट मिलती थी, ही गॉट माने जो पाता था, ही बॉट मोर बुक्स, और भी नई नई किताबें खरीदता था, पुराने किताबें जो पढ़ लेता था उसके बाद न्यू किताबें भी खरीदता था। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और सेटअप माने स्थापित कर दिया था, स्मॉल माने एक छोटी सी लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला, छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर दिया था। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माता जी इनकरेज्ड माने उत्साह बढ़ाती थी हिम माने उसका, एंड हेल्प्ड हिम और उसकी सहायता करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स माने उसके प्रयोगों में। एडिसन की माता उसकी सहायता भी करती थी, उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, जितने भी प्रयोग रहता था उन सब में सफलता दिलाने के लिए भी पूरी कोशिश करती थी। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में यहीं तक रहने दें, आगे का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग आगे के इस पोर्शन को देखेंगे। आपको इसके आगे की वीडियो देखने के लिए सेकेंड पार्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, और इस चैप्टर को कई बार पढ़ने और समझने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप सबका दिल से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।